बीजेपी गांधी जी को मानती तो है नहीं, क्यों गांधी जी को परेशान करते हो आप? तो बीजेपी के लोग तो गांधी जी के सिद्धांतों को मानते ही नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए, एक तरफ तो बीजेपी कहती है कि महात्मा गांधी को हम मानते ही नहीं है, और ऊपर से महात्मा गांधी जी की मूर्ति के नीचे जाकर बैठकर नाटक करती है। गांधी नाराज है बीजेपी से, तंग मत करो गांधी जी ने, तो गॉडसे ने गांधी जी को मारा, दुनिया जानती है गोली लगी। तो गांधी जी ने कहा हे राम, तो हम तो राम के वंशज हैं, राम और राम राज्य की कल्पना कांग्रेस पार्टी करती है, क्योंकि गांधी ही हमारा मॉडल है, गांधी के आधार पर ही पूरी कांग्रेस पार्टी चलती है, गांधी देश के राष्ट्रपिता है, गांधी के अनुसार ही संविधान की मूल भावना है। तो गांधी को मानो भैया, गांधी की मूर्ति के नीचे बैठे हो तो कम से कम गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठकर, मैं इतना कहूँगा बीजेपी के लोगों से हाथ जोड़कर, भाई साहब झूठ मत बोलो, सच बोलो, आज गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठकर मेरी रिक्वेस्ट है, कसम है कि यदि दम है तो एक भी सबूत वहाँ दे दें, झूठ बोलना बंद करो, नहीं तो देश, जनता और भगवान राम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, ध्यान रखना। और मैं हमेशा कहता हूँ, झूठ फरेब और धोखा ज़्यादा नहीं चलता। गांधी जी की समाधि के नीचे तो बीजेपी को धरना देने का हक ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी तो सिर्फ झूठ फरेब और धोखे की राजनीति करती है। ठीक है, चाहती है दिल्ली में बैठकर अमित शाह के घर पर ये बीजेपी के नेता जाते हैं, और जाकर वहाँ पूरा षड्यंत्र होता है, प्लान होता है, और ये तय किया जाता है कि सरकार को बदनाम करो, राजस्थान की सरकार को बदनाम नहीं करोगे तो देश में बीजेपी क्या संदेश देगी। क्योंकि ये जो षड्यंत्र इन्होंने किया, वो षड्यंत्र सब फेल हो गए, आप खुद जानते हो। पहली बार ऐसा हुआ है जब रीट के मामले में बिना तथ्यों के, बिना सबूत के, भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्रियों का नाम ले रहे हैं, सीएमओ के स्टाफ का नाम ले रहे हैं। आपके पास कोई तथ्य हो तो आप सबूत लेके आओ ना, आप बिना सबूत के इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो। बीजेपी के टाइम पे पेपर लीक हुए थे, और जब पेपर लीक हुए उसके बाद बीजेपी ने क्या किया? यहाँ जैसे ही पेपर लीक का, अब खुलासा तो सरकार ने किया, हमने किया है ना, जैसे ही पेपर लीक का अंदेशा हुआ तो खुद मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर एसओजी वालों को बुलाकर जांच दी कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार में भी पेपर लीक हुए, पूरे देश में पेपर लीक होते हैं, वो पेपर कैंसिल हुए बीजेपी के टाइम पे, मैं आपको उदाहरण दे दूँ। इतना ही किया बीजेपी ने, बीजेपी ने कभी एसओजी से जांच नहीं कराई, मुख्यमंत्री ने एसओजी को जांच दे दी, ये कहा कि किसी को भी छोड़ना मत, उस पर कार्रवाई हो गई। अब इन्होंने क्या किया कि 3 वर्ष में ये लगातार बीजेपी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई, इस मुद्दे को पकड़ के बैठ गए, और पकड़ के जैसे ही हमने जांच खोली और लोगों को गिरफ्तार किया तो बीजेपी कहने लगी साहब ये जांच तो इसमें है ना। अरे तो भैया जांच सरकार करा रही है, पकड़ हम रहे हैं, अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, अब आप इसको पॉलिटिकली रंग देने के लिए बिना सोचे समझे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो। मैं आज कह रहा हूँ आपको, जिन लोगों के नाम लिए यदि इन्होंने डिफॉर्मेशन कर दिया ना और मानहानि का दावा कर दिया, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा अच्छे अच्छे नेताओं का। ये बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, आप किसी के खिलाफ भी इस तरह की भाषा बोलते हो, आप क्या राजनीतिक आदमी नहीं हो? आपके खिलाफ आज कोई व्यक्ति गलत बयान दे तो आपको कितनी तकलीफ होगी, आपके परिवार को कितनी तकलीफ होगी? आप कैसे किसी भी अधिकारी का या मंत्री का नाम लेकर इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हो? आपका तथ्य क्या है? तथ्य तो लाओ, बिना तथ्यों के, बिना सबूत के आपने इतने बड़े बड़े आरोप लगा दिए, ये पाप है। रीट में बच्चों ने जो डिमांड की थी उससे ज़्यादा सीटें बढ़ा दी, रीट का लेवल 2 का पेपर कैंसिल कर दिया, लेवल 1 में तो मामला ही नहीं है, लेवल 1 की तो जांच ही नहीं है, जांच ही लेवल 2 की है। उससे पहले आपने झूठ बोला, आपके पास कुछ है तो तथ्य कल विधानसभा में लेके आ जाना, झूठ झूठ मत बोलो। हमारे पास कहाँ है, आपके पास क्या है? हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमारे पास तो लाने भैया, रिकॉर्डिंग कौन सी है, कौन है? फालतू की बातें मत करो यार, जो भी है हम आपका सम्मान करते हैं, ये डायलॉग बाजी नहीं।